अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। इट्स मी फूड गर्ल। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है चॉकलेट सिरप की, जो कि मैंने कल अपने चॉकलेट केक के ऊपर यूज़ की थी। तो चलें जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस रेसिपी में जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल है, हर घर में अवेलेबल होते हैं। हमें चाहिए 1 ग्लास दूध का, 3 चम्मच कोको पाउडर के, 9 चम्मच चीनी के टेबल स्पून, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के, 1 चम्मच बटर का और वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए होता है, नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं। यहाँ हमने सबसे पहले लिया एक पैन, उसके अंदर मिक्स करेंगे सबसे पहले चीनी, फिर कोको पाउडर, फिर कॉर्नफ्लावर और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो जी, यहाँ हम इसको चूल्हे पर लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 10 मिनट। लो फ्लेम पर इसलिए पकाएंगे, अगर हाई फ्लेम किया तो ये फटाफट गाढ़ा हो जाएगा और पकेगा नहीं। इसके अंदर हमने चम्मच हिलाते रहना है, अगर हमने चम्मच ना हिलाया तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ चूल्हे से उतार दिया है और अभी ये बहुत गर्म ही है। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस का डाल दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर का डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर डालने से इसके अंदर एक शाइन आती है, ये चीज़। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी डन। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।